एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घर पर सो रहे किसान को हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया। वहीं किसान को 7 लाख की फरौती देने के बाद रिहा किया गया। देखिए रिपोर्ट। विजयपुर क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां बदमाश अब लोगों से अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला विजयपुर क्षेत्र के अग्रा थाना अंतर्गत चेटी खेड़ा गांव से सामने आया है, जहां अधेड़ किसान को आधा दर्जन हथियारों से लैस बदमाशों ने अगवा कर लिया। हथियारों से लैस बदमाश किसान को गाँव से जंगल का रास्ता दिखाने के बहाने ले गए, लेकिन किसान को बदमाशों ने जंगल में ही बैठा लिया और लाखों रुपये की फिरौती की मांग परिजनों से करने लगे। वहीं परिजनों से फिरौती के तौर पर बदमाशों ने 7 लाख रुपये लिए। उसके बाद बदमाशों ने किसान को छोड़ा। जी पकड़ाई है शाम को, तो वो भैया 12 की लगभग घर से उठाए ये, तो बिन ने फिरौती मांगी 25 लाख रुपया। तो रोए गाय के बच्चे ने हमने निवेदन करके बनते और 8 लाख रुपया मांगे बिन्ने, तो 8 में और 7 में पूरे टोटल ने बटी 7 लाख रुपया पूरी फिरौती के लाइए। वो खुआ की लाइए कौन सी जैसे यहाँ से जैसे जाती हैं सेवापुरा घटिया चढ़ के ऊपर निकलती हैं, तो वहाँ पे लाइए। 6 लोग थे जी, हथियार थे क्या उनके पास? हथियार कहाँ ले गए थे आपको? जंगल को ले गए जी। आप उनको पहचानते हो? नहीं पहचानते जी। क्या आपके साथ मारपीट की उन्होंने? जी। कितने बजे ले गए थे आपको? 12:30 बजे रात्रि में। 12:30 बजे तो आप घर पर सो रहे थे जी। कैसे पहुंचे आप थाने पर? कितने रुपए दिए आपने? कितने मांगे आपसे? कितने मांगे थे? कितने मांगे थे? 25 लाख। 25 लाख रुपए मांगे थे आपसे। कितने लाख रुपए दे के आए आप? 7 लाख जी। को 7 में लेकर रास्ता बताने के बहाने ले गए थे वो, और ले जाकर उसको रोक के रखा था वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने फिर पैसे की मांग करना बताया था, 7 लाख रुपये की व्यवस्था करो तब छोड़ेंगे। वो तो छोड़ दिया था, फिर वो गया था, पुलिस इधर से सर्चिंग टीम गई थी, तो रास्ते से उधर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे वो जी। क्या है? हाँ इस संबंध में अभी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग, क्या है क्या नहीं है जी। अभी जो है उत्तम दृष्टि अपराध पंजीबद्ध कर लिया इस संबंध जी, कार्रवाई की जा रही है। नहीं इस तरफ नहीं है, उस तरफ था वो, ऊंचा तरफ है, उनकी तरफ मूवमेंट जरूर है इनका, और पुलिस पार्टी हमेशा सर्चिंग कर रही है, 10-15 दिन से लगातार सर्चिंग कर रही है, जंगल लंबा चौड़ा है, तो सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News टीम। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात, MP News के साथ।